से अपने अपने वाहनों को और देखते ही देखते रॉयल एफसी ने उसके भाई भारत एफसी और यहां पर और एक खतरा बन सकता था। और कुंपट एफसी अपने टीम को बराबरी करने का वापसी करने का चाह रही है और यहां पर एक फिर से बैठे हमारे आयोजक कमेटी के और मेडल रेफरी शशि मुंडा द्वारा इस मैच का शुभारंभ विशेष इस मैच के मिडिल रेफरी शशि मुंडा आर वन जितेंद्र कारमाली आर टू कृतिवास मुंडा तैयार रहेंगे अनजान एफसी और इसके वाई भारत एफसी। आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये मैच जैसी समाप्त होगी आप दोनों टीम आज का पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल शेखर दा के टीम में कंपट एफसी बड़ी टीम में दोनों टीमों ने निश्चित तौर पे आज यहां पर अपने टीम के प्रति क्या किस ताप से खेलेंगे मैदान में। छोटा सा क्रिकेट इस बार चलिए बहुत बहुत स्वागत है WWE एफसी के टीम मैनेजर हमारे बड़े भाई बलराम मुंडा जी उनका मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन उनको मेरी ओर से जोहार है पूरे कमेटी परिवार की ओर से जोहार है अभिनंदन है स्वागत है। और अभी जो हम मैच देख रहे हैं ग्रुप ए का चौथा मैच रॉयल एफसी वर्सेस कंपट एफसी सफेद और काले जर्सी में रॉयल एफसी की टीम लाल और पीले जर्सी में कंपट एफसी की टीम आज का यह चौथा मैच हमारे आमंत्रित प्यारे दर्शक शांतिपूर्ण ढंग से मैच का आनंद ले रहे हैं भरपूर आनंद ले रहे हैं। और सभी गाड़ी वालों से निवेदन है कि अपने अपने वाहन को पार्किंग स्थल पर ही रखें यहां वहां बिल्कुल खड़ी ना करें खासकर सड़क पर या सड़क के किनारे गाड़ी बिल्कुल भी ना लगाएं ताकि आने जाने वालों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आप सभी कोऑपरेट करें साथ दें आयोजक कमेटी को मैं आयोजक कमेटी के पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना सुंदर टूर्नामेंट रखा है। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष संजय मुंडा सचिव कुंवर मुंडा मेंबर्स निभय मुंडा सौरभ मुंडा बाव सिंह मुंडा मुचराय मुंडा सोमा मुंडा धन सिंह मुंडा और हुआ है बढ़िया कर्नर किक जरूर आया था उछल के किक को लेने के प्रयास था। यहां पर अगर बात करें कोखन मुंडा का मेसी इस बार पांच नंबर ओहो संतुलन थोड़ा सा खो बैठे एफसी फिर से एक बार डिफेंस अजय मुंडा के पास गेंद है चूज रहे कहां पर डाले सुंदर जगह में लेकिन उतना ही अच्छा हेड कंपट एफसी काफी हेयर स्टाइल के खिलाड़ी इतना आसान नहीं होगा कंपट एफसी के पास भी दमखम है। और इसी के साथ फिर से एक बार के खाते में शशि मुंडा आप अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अजय मुंडा इस किक को लेंगे बढ़िया किक उठाके लेकिन कितनों भी तारीफ करें कम होगी आठ टू डेफरी कृतिवास मुंडा जी गुरु बिल्कुल सही बात दिनेश दा दोनों टीम हारना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी दोनों टीमों की एक ही सोच अपने टीम को अगले मैच के लिए क्वालिफाई करना दोनों टीम और एसके वाई भारत एफसी आप भी अपनी तैयारी पूरी करके रखें ये मैच जैसी समाप्त होगी आप दोनों टीम मैदान पर प्रवेश करेंगे। और अभी अभी जितने भी दर्शक हमारे बीच पहुंचे हैं कमेटी को उतनी ही कम है जितनी भी तारीफ करो उनका
इतना सुंदर व्यवस्था उन्होंने कराया है, इतना सुंदर टूर्नामेंट उन्होंने रखा है, जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष संजय मुंडा, सचिव मुंडा, मेंबर्स कुंवर मुंडा, निभय मुंडा, सौरभ मुंडा, भाव सिंह मुंडा, मुथुराय मुंडा, सोमा मुंडा, धन सिंह पूर्ति और समस्त कूड़ापुर क्षमा कीजिएगा कीता हतु के ग्राम वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों टीमों की ओर से जोरदार कोशिश की जा रही है अपने टीम को लीड करने का। दिनेश जी का स्वागत है। दिनेश दा बिल्कुल शेखर दा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कॉम्पटेपसी जो लाल रंग के पोशाक में देख रहे हैं कॉम्पटेपसी और हेयर स्टाइल के खिलाड़ी को आज कितनों भी तारीफ करे कम होगी। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन मैच खेले है और गजब का स्किल। इस बार कॉम्पटेपसी गेंद को निकालने के प्रयास, सुंदर जगह पर अच्छी डिलीवरी। इस बार मौके की तलाश, मौके बनेंगे। गेंद तक पहुंचने में लेट कर बैठे कॉम्पट एफसी के खिलाड़ी। और जिस प्रकार से डिफेंस है अजय मुंडा, इतना आसान नहीं होगा। और किसी तरह अजय मुंडा कुछ समय के लिए तो निकालने का प्रयास में। पहले हाफ का मैच चल रहा है, दोनों टीम 0-0 की बराबरी पर, दोनों टीमों की एक ही सोच। अरे आमंत्रित दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं, मैच के अंतिम क्षणों तक आप इसी तरह मैच का आनंद ले शांतिपूर्ण ढंग से। और इस तोवा पीढ़ी फुटबॉल स्टेडियम कीता हतु पर जितने भी दर्शक पहुंचे हुए, खेल प्रेमी पहुंचे हुए, दूर दराज से आए दुकानदार पहुंचे हुए हैं, सबों से निवेदन है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ छेड़खानी बिल्कुल ना करें। जिस तरह हम इस मैच को देखने के लिए अपने घर से खुशी खुशी आए हैं, उसी तरह बाद में भी अपने घर के लिए यहां से खुशी खुशी जाएंगे। किसी के साथ मारपीट, सड़क पर छेड़खानी या किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सभी इस फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने में सभी सहयोग करें, कोऑपरेट करें, साथ दें, से अपने अपने वाहनों को और देखते ही देखते रॉयल एफसी ने 1-0 की बढ़त बना ली है। अपने स्कोरिंग को बरकरार रखना चाहेगी रॉयल एफसी, निराश बिल्कुल भी ना हो कॉम्पट एफसी। आप भी कुछ कर देखें अपने टीम के लिए, अपने टीम को वापसी करने का कोशिश करें। वापसी मंच पर बैठे सभी आयोजक कमेटी के धन्यवाद, सबों को जोहार। और अभी भी जितने भी दर्शक पहुंचे हमारे प्यारे, पहले हाफ का मैच चल रहा है जिसमें रॉयल एफसी ने 1-0 से बढ़त बनाई हुई है। फ्री किक का मौका मिला है रॉयल एफसी की टीम को। और देखते ही देखते मौका रॉयल एफसी के पास, और खतरे को टालने में सफल रहे कॉम्पट एफसी के खिलाड़ी। का और कुंपट एफसी
चाहेगी अपने टीम को वापसी करने का, बराबरी करने का। और इस मैच के तुरंत बाद आज का पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए अनजान एफसी और एसके वाई भारत एफसी। और यहां पर और एक खतरा बन सकता था, चाहेगी बढ़त दिलाना चाहेगी रॉयल एफसी और अपने टीम को वापसी करना चाहेगी कुंपट एफसी। जोरदार कोशिश की जा रही है रॉयल एफसी के द्वारा, अटैक पे अटैक कर रही है अपने स्कोरिंग को और बढ़त दिलाने का। और कुंपट एफसी भी जोरदार कोशिश कर रही है अपने टीम को वापसी करने का। और इस मैच के तुरंत बाद आज का पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार रहे अनजान एफसी और एसके वाई भारत एफसी। आप अपनी तैयारी पूरी करके रखें, यह मैच जैसी समाप्त होगी आप दोनों टीम मैदान पर प्रवेश करें। और एक बार मैं फिर से पूरे आयोजक कमेटी परिवार को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतना सुंदर टूर्नामेंट रखा। रॉयल एफसी मौके की तलाश में है अपने स्कोरिंग को और बढ़त दिलाने का, ऐड करने का, जोड़ने का अपने स्कोरिंग को। और कुंपट एफसी अपने टीम को बराबरी करने का, वापसी करने का चाह रही है। और यहां पर एक फिर से बढ़त बना ली है जर्सी नंबर 5 द्वारा। और इस तरह से के अनजान एफसी और एसके वाई भारत एफसी मेरे ख्याल से इस मैच को समाप्त होने में कम समय बचा हुआ है। अब दोनों टीम टच लाइन के समीप आ जाएंगे अनजान एफसी और एसके वाई भारत एफसी। दर्शकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, अभी अभी जितने भी दर्शक पहुंचे हैं सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, सबों को जोहार। तो आप फुटबॉल स्टेडियम कीताहतु खेल परिसर में आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, सबों को जोहार। और सबों के जानकारी के लिए बता दूं, इस फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम को 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा और उप विजेता टीम को 35,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले टीम को 10,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। और यहां पर एक मौका कुंपट एफसी के पास, इस मौके का फायदा उठाना चाहेगी कुंपट एफसी।
और अपने खतरे को टालना चाहेगी रॉयल एफसी। जोरदार कोशिश की जा रही है कुंपट एफसी की ओर से और बहुत ही कम समय में इनको कुछ करनी होगी कुंपट एफसी को। जोरदार कोशिश। अभी जो हम मैच देख रहे हैं ग्रुप ए का चौथा मैच, दूसरे हाफ का मैच चल रहा है जिसमें रॉयल एफसी 3-0 से बढ़त बनाई हुई है, अपने स्कोरिंग को बरकरार और अपने स्कोरिंग को और बढ़त दिलाना चाहेगी, लेना चाहेगी रॉयल एफसी। और कुंपट एफसी अपने टीम को वापसी करना चाहेगी, बराबरी करना चाहेगी। दोनों टीमों की ओर से जोरदार कोशिश की जा रही है। हमारे आमंत्रित प्यारे दर्शक शांतिपूर्ण ढंग से मैच का आनंद ले रहे हैं। सभी वाहन वाले ध्यान देंगे, अपने अपने वाहन पार्किंग स्थल पर ही रखेंगे, यहां वहां बिल्कुल खड़ी ना करें, खासकर सड़क पर या सड़क के किनारे बिल्कुल भी खड़ी ना करें, ना लगाएं गाड़ी, ताकि आने जाने वालों को किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी ना हो। आप सभी कोऑपरेट करें, साथ दें, सहयोग करें। और जैसा कि मैंने कहा था, और यहां पर एक और एक मौका रॉयल एफसी के पास, टीम सूची बता दूं ग्रुप बी के लिए कल का पहला मैच खेला जाएगा रघु ब्रदर्स वर्सेस के ब्रदर्स के बीच। ग्रुप बी का दूसरा मैच यानी छठा मैच खेला जाएगा ब्लैक डायमंड एफसी वर्सेस दुलमी एफसी के बीच। ग्रुप बी का तीसरा मैच खेला जाएगा डोंडा डी एफसी वर्सेस एएच ब्लैक कोबरा यूनाइटेड के बीच। ग्रुप बी का चौथा मैच खेला जाएगा जीटी 11 वर्सेस जमशेदपुर एफसी के बीच। कल भी हमें अच्छा अच्छा मैच देखने को मिलेगा, सभी टीमें अच्छे टीम और मजबूत टीम है। कल का मैच काफी रोमांचक भरा होगा, कांटे की टक्कर वाला मैच हमें देखने को मिलेगा। और सभी टीमों के मैनेजर से मैं अनुरोध करूंगा, जो भी निर्धारित समय है आपका, समय से पहले ही आ जाएं, ताकि आप फुल टाइम मैच खेल सकें।